आम आदमी पार्टी ये सरकार निकम्मी है। बोलो, आम आदमी पार्टी इस काले कानून का विरोध करती है। संसद में जिस प्रकार तानाशाही रवैये से बिना वोटिंग के ये बिल पास किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने सारी दुनिया को अपना तानाशाही रवैया दिखा दिया है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान का किसान आज सड़क के ऊपर है, उसकी MSP को खत्म करने का रास्ता खोल दिया है, अपने अडानी और अंबानी जैसे मित्रों के हाथों हिंदुस्तान के किसान को गिरवी रखने का जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने खोल दिया है, ये सारे देश का किसान आज इसके विरोध के अंदर सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है। आम आदमी पार्टी इस काले कानून का विरोध करती है। जिस प्रकार मैं आपको याद कराऊं, चंद सालों पहले हिंदुस्तान के अंदर जब कोका कोला और फैंटा आई, तो यहाँ पे जितनी देसी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स बिकती थी, उसका नाम तो अब शायद भूल गए, कैंपा कोला और शायद गोल्ड स्टोप थी, तो आज लोग भूल गए। जब ये विदेशी कंपनी आई थी, उस समय की सरकार ने कहा था कि हिंदुस्तान की भी बिकती रहेंगी और ये भी बिकेंगी। धीरे धीरे पहले इन्होंने इतनी सस्ती चीज़ें बेची बाजार में, उन कंपनी को ख़त्म कर दिया, और आज हिंदुस्तान के लोग वो जो देसी ड्रिंक थी उनका नाम भूल गए और ये कोका कोला और फैंटा इसी के ऊपर आज चल रहे हैं। इसी प्रकार हरियाणा और पंजाब की मंडियों को ये पूंजीपति लोग 2 साल फसल महंगी खरीद के इन मंडियों को खत्म कर देंगे, और भारत सरकार MSP की गारंटी सिर्फ मंडियों में देती है। जब मंडियों के अंदर किसान की फसल 2 साल तक बाजार में बाहर महंगी, ये इनके पूंजीपति मित्र खरीदेंगे, जब मंडियों के व्यापारी भाग जाएंगे, तो MSP देने वाला कोई नहीं रहेगा। भारत के किसानों ने और आम आदमी पार्टी ने भारत की संसद के अंदर ये डिमांड की थी कि आप भी इस कानून, अगर लाना इतना जरूरी है तो आप इसके अंदर लिख दीजिए कि MSP से कम जो पूंजीपति किसान की फसल खरीदेगा वो दंडनीय अपराध होगा, और MSP की गारंटी भारत सरकार इस बिल के अंदर लिख दे, तो इस बिल से हमें कोई ऐतराज नहीं है। भारत सरकार ने MSP की बात को दरकिनार किया। करीब 40,000 जो मंडियां के अंदर व्यापारी हरियाणा के अंदर काम करते हैं, 80,000 मुनीम काम करते हैं, करीब 8,00,000 मजदूर काम करते हैं, उनको तबाह किया, और उनके साथ हरियाणा के एक एक किसान को इन्होंने भूख मरी और कंगाली के कगार पे खड़ा कर देना चाहते हैं। हरियाणा के किसान को सिर्फ वोट बैंक बना रख के छोड़ देना चाहते हैं। हरियाणा और देश का किसान इस बात को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा अब चलने वाला नहीं है। नोटबंदी के समय इन्होंने कहा था कि 15 सारे देश का काला धन आएगा और देश को इतना फायदा होगा, 1 रुपया भी काला धन इनको नहीं मिल पाया। ये प्यारी सरकार जो कान के अंदर शीशा डाल के सो रही है, उसको जनता की ताकत का नहीं पता। जब आम आदमी खड़ा हो जाता है, हिंदुस्तान का किसान खड़ा हो जाएगा, तो जितना मर्जी ताकतवर अपने आप को समझते रहे, इनको उखाड़ के फेंक देगा, इनके सिंहासन को जीरो कर देगा। श्रीमान जी, कहीं ना कहीं और भी संगठन इस विषय का अध्यादेश को लेकर आगे बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान नजर नहीं आ रहा है, ना ही किसी नेता संगठन के साथ और संगठनों के साथ। देखिए, किसान है, हम सब किसान हैं, और 2 दिन पहले कल किसानों ने चक्का जाम किया था, आपने देखा था, सारा हरियाणा बंद था। उससे पहले किसानों को कुरुक्षेत्र के अंदर पीटा गया था। जब भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने मन में कहा था कि हमने पीटने की बात नहीं, कल किसानों को, और यहाँ पे सब किसान हैं, आपको हरियाणा के व्यक्ति किसान नजर नहीं आता। देश के अंदर 60% लोग आज भी किसानी करते हैं। अगर आपको 60% लोग नजर नहीं आते, तो
तो भारतीय जनता पार्टी की जो गूंगी बहरी सरकार है उसको कैसे नजर आएंगे? धर्मवीर भटाना, ये जो भारत सरकार किसानों के खिलाफ अध्यादेश लाई है उसके विरोध में आम आदमी पार्टी फरीदाबाद आज अपना रोष प्रदर्शन कर रही है और किसानों के हक में हम लोग सरकार ने बिना संसद के बहस करवाए, बिना संसद बिल पास कराए ये कानून लाई है, ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। हाँ, अगर देश की जनता जाग जाएगी, जब किसान जागा हुआ है तो होगा, भारत सरकार अपना फैसले को वापस लेगी। नहीं होता है तो सरकार अंग्रेजों की तरह काम कर रही है, उसकी मर्जी है, कुछ भी कर सकती है।